एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उधर दिल्ली के एम्स अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों की सुनवाई नहीं होने के चलते हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। दरअसल एम्स नर्सेज यूनियन पिछले 3 दिनों से कामकाज की खराब स्थिति का विरोध कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को चेतावनी देते हुए एक मेल लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यदि उनकी चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके अलावा मेल में 10 जून को मास्क लीव पर जाने की बात भी लिखी है। दरअसल नर्सिंग स्टाफ मांग कर रहा है कि ड्यूटी को रोटेशनल किया जाए, जिससे कि स्टाफ के हर व्यक्ति को थोड़ा आराम करने का समय भी मिल सके। लगातार ड्यूटी करने से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बता दें कि 47 नर्सिंग स्टाफ सहित संस्थान में काम करने वाले 300 से अधिक लोगों को कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाया गया है।